भाई थे लिए तो लेके आई हूँ। ओहो डॉली तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई है। हाय गाइस दिस इज बी तहरान वॉरियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हमेशा व्लॉग ऐसे ही क्यों स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि व्लॉग स्टार्ट कैसे करना है। कहना क्या चाहते हो क्या बोल दिया मैंने। खैर आगे चलते हैं। आप लोगों की भरपूर डिमांड आ रही थी कि भाई हम लोग जानना चाहते हैं कि आपका रिश्ता कैसे हुआ, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं लेने जा रहा हूँ आपकी भाभी को। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि अगर मैं ये कहानी सुनाता तो वो वाइब नहीं आती। दोनों शख्स मिलके ये चीज सुनाएंगे आपको तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा, बहुत मजा आएगा गाइस। तो गाइस फाइनली मलाइका को लेके आ गया मैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। आ जाओ गाइस, आज आपका भाई लेकर आया है आपकी भाभी को, खुद बाइक पे जाके सही सलामत लाए। बिल्कुल गिराया भी नहीं मैंने, पहली बार मैंने बिठाया बाइक पे, मैंने कहा यार तो मैं लेके चलता हूँ। आ गए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। और कुंडी लगाई हुई तुम्हारी नंदो ने। भाई लोग भी मिल गए आपस में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस इन लोगों की बातें चल रही है और जो हमारा मेन पर्पस था हम उस पर बात करेंगे। मामा आज का ब्लॉग आपको पता है क्या है? बताइए बेटा। आज का ब्लॉग है कि मैं और मलाइका कैसे मिले। अच्छा यस yes। और इसके ऊपर आज बात करने वाला हूँ मैं बड़ी डिटेल में। और मलाइका कैसे मिले? हाँ आज मैं लव स्टोरी बताऊंगा मंगनी के पास से हमारे निकाह तक की, तो वो आप देखिएगा जरूर। तुम कहाँ से आई? मलाइका भाभी ने दी है। अच्छा वाह यार, डॉली को नहीं दी तुमने? अच्छा ओहो डॉली तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई है, क्या बात है। मुझे नहीं दी? नहीं तो मम्मा के लिए नहीं ली? ली है ना। अच्छा मम्मा के लिए भी लाई गाई, सबके लिए लाई है लेकिन मेरे लिए लाई यार, देख रहे हो यार। क्या आपके लिए मैं खुद आ गई? इतना ठीक है, इतना ठीक है मेरे लिए खुद आ गई ना का, इतना ठीक है, सही है भाई सही है। सुबह से हमारे घर में लाइट नहीं आ रही थी, बहुत सारे काम रह गए, अभी लाइट आई तो मैंने सोचा कि अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए व्लॉग कल भी नहीं बनाया था, कल भी लाइट गई हुई थी, लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी। पापा से मिल रही हो? मिलो ना। गाइस पापा की सिंगिंग चल रही है, पापा थोड़े से बिजी हैं अभी आ रहे हैं। फिर फॉलोवर पता है कितने हो गए? गाइस बहुत स्पीड में मलाइका के फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, तुम लोग भाई के नहीं बढ़ा रहे यार, क्या हो गया? टिकटॉक पे भी? क्या बात है गाइस, असल में अच्छी वीडियोस बना रही हूँ ना, तो इस वजह से लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। रील्स वगैरह बना रही है, अब इंस्टाग्राम पे हम लोग रील्स बनाएंगे तो उसकी रील्स भी हम वहाँ शेयर करेंगे। लेकिन आज का ब्लॉग पता है तुम्हें क्या है? हमें अपनी लव स्टोरी बतानी है जो कि मामा है, थोड़ी बहुत है लव स्टोरी, थोड़ी बहुत है लेकिन अरेंज है। सारी तक का बताना है कि कैसे हुई, क्या हुई, कब हुई, क्यों हुई, किसके जरिए हुई, ये भी बताना है। तो गाइस इसके ऊपर आप करते हैं ब्लॉग तफसील से बैठ के, सुकून से करते हैं, बुलाते हैं सबको, रुमैसा फकीना को भी, वो भी इस चीज़ में मुलव्वज़ हैं, इसमें रुमैसा का बहुत बड़ा किरदार है। तो गाइस आप लोग जानना चाहते थे कि हमारी लव स्टोरी क्या है, सो मलाइका तुम बताओ। आप बता दें। अबे यार तुम बता दो। नहीं नहीं आप बताएं। ये बताइए गाइस। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं नहीं तुम बताओ, बता दें ना भैया जी सीन। अब देखो मैं तफसील से तो मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ लव स्टोरी तो नहीं है, नहीं है। लेकिन हमारी लव स्टोरी मंगनी के बाद से शुरू हो गई थी। हाँ मंगनी के बाद से शुरू हो गई, लेकिन हमारी मंगनी कैसे हुई वो आपको बताता हूँ गाइस। उससे पहले ये मेरे भाई थे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। उससे पहले मेरे भाई थे गाइस, जो बात है भाई बोलते थे, और जाहिर सी बात है हमारी एज डिफरेंस आपको पता है कितना है? कितना है? 8 7 8 इयर्स डिफरेंस। आई एम 26 और शी इज गोइंग टू बी 18 सून इंशाल्लाह।
शी इज अभी 17 की है, इंशाल्लाह 18 की हो जाएगी। लेकिन गाइस सीन ये है मेन के भाई, हम लोग लास्ट ईयर 2021 की बात है ना मामा, 22 हाँ सॉरी गाइस 2022 की बात है। मम्मा लोग हम लोग टूर पे गए थे, टूर में मम्मा लोग मेरी लड़कियाँ देख रहे थे, कोई लड़की मम्मा को समझ में नहीं आ रही, बहुत सी लड़कियाँ देखी लेकिन कोई समझ में नहीं आ रही। अभी हुआ कि उसके बाद हम लोग हैदराबाद आ गए, फिर कराची में मेरी एक दोस्त की बर्थडे थी, मैं बर्थडे में गया बता वहाँ गया तो फिर मम्मा की मम्मा कॉल आई, भाई तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली। मैंने कहा कौन है, किस खानदान की है, किस जात की है, मैं जानता नहीं था। लेकिन सीन ये हुआ कि ना मुझे लड़की की पिक्चर दिखाई गई, बस ये बोल दिया कि भाई हमने तुम्हारा रिश्ता कर दिया जाके। अब मैं शौक में आ गया, किससे कर दिया, सडन कोई सीन ही नहीं है वो। अब वो जो लड़की थी वो मलाइका थी, और मुझे नहीं पता लिटरली वो मलाइका है, मुझे नहीं पता था। फिर ये हुआ, मम्मा ने मुझे अपने साथ पिक्चर्स भेजी, इसमें मलाइका की पिक्चर आई, मलाइका के सुनहरे सुनहरे बाल ये हो भाई। मैंने कहा यार लड़की तो बहुत प्यारी है। मैंने कहा मम्मा ये कौन है, मम्मा ने बोला ये मेरी स्टूडेंट है। तो मैंने कहा मम्मा इसका इंस्टाग्राम तो मुझे दिखाएं जरा, मैं इंस्टाग्राम पे सर्च करता हूँ। और जब मैंने इंस्टाग्राम इसका मेरे पास इसकी आईडी आई, तो मलाइका के पहले से ही मैसेज मैसेज वो ये थे कि वो मैसेज आपको मैं यहाँ नजर आ जाएंगे, वो मैसेज आपको मैं दिखाऊंगा, वो मैसेज जिसमें मलाइका मुझे बोल रही है माशाल्लाह मिस अनीला वाओ, इस तरीके का मैसेज था, आपके सामने आ रहा होगा, देखिएगा सामने नजर आ रहा होगा। और सेकंड मैसेज हम लोगों की ये बात हुई है जिसमें हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, और उसमें ये बोल रही है आपने मुझे रिप्लाई किया थैंक यू भाई थैंक यू यार। मैसेज की और आपकी फैन थे, पक्की बात है सच? तो कब से फैन थी, मतलब कैसे? भाई आप मेरी मिस के बेटे थे सही है, किसी ने बताया था कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो फिर मैंने कहा फिर तो देखना चाहिए। फिर जब मैंने आपको देखा ना, तो बस फिर मैं आपकी फैन हो गई थी। वाओ, और रुमैसा की कब से थी? रुमैसा की जब आपको देखा तो फिर जाहिर है आपको देखा, आपको यूट्यूब पे देखा, तो वहाँ मुझे रुमैसा भी मिली, रुमैसा की सिंगिंग मिली, और वहाँ पे एक आप आई थिंक ऑनलाइन थे, हाँ वीडियो लाइव आए हुए थे, तो वहाँ पे ना रुमैसा जो है आप कुल्फी खा रहे थे, सर्दी और सर्दियाँ आप ऑरेंज कलर की कुल्फी खा रहे थे, और जो रुमैसा है ना, रुमैसा बस ऐसे ही कमेंट्स पढ़ रही थी, तो नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि तैरान गोरी की सिस्टर की आवाज आई एम अ बैग से भी ज्यादा हसीन। जो बात है वो तो है, वो तो है। तो फिर मैंने देखी, मैंने कहा फिर तो देखना चाहिए। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पता नहीं कैसे, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं जानती थी इंस्टाग्राम क्या है, टिकटॉक क्या है, तो फिर जो है मैंने किसी अपनी फ्रेंड से है ना आईडी मालूम की। फिर जब मैंने रुमैसा की आईडी देखी ना, फिर तो मैं रुमैसा की फैन हो गई। वाओ गाइस, तो ये है कि मलाइका है रुमैसा की भी फैन और मेरी भी थी। और उसके बाद हमारा जब रिश्ता हुआ तो उसके बाद दूसरी लड़कियों के साथ मेरे नसीब में मलाइका थी, जो कि आज माशाल्लाह मेरी वाइफ बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखो यार, कदर करने वाली बीवियाँ और कदर करने वाले दोस्त बहुत कम मिलते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि मंगनी के बाद से मैंने व्लॉग करना क्यों छोड़ दिया था, तो इस चीज़ को पापा आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो मैं इंतज़ार कर रहे थे, पापा आप तो आर्टिस्ट वाली फील दे रहे हैं पूरी। हाँ पापा तो फुल एक्टर वाली फील दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है बुढ़ापे के अंदर माशाल्लाह। और मलाइका कैसी हो? ठीक है यार, तैरान ने तो नहीं छोड़े थे, हकीकत बात ये है मैंने छुड़वाए थे। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, चलो बता दूँ। असल में बात पता ही क्या है, एक तो हमारी ये मलाइका छोटी है और एज नहीं है इसकी, मैट्रिक किया है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इन्हें कहा था कि तालीम एजुकेशन, और फिर मेरी डाली सकीना इनकी भी तालीम में मतलब ये कि एरर आ रहा था, तो मैंने कहा भाई गैप, अभी ये फिलहाल व्लॉग ना बना। लाजमी बात है, जब आपकी फैन थी तो तब तो बहुत ही छोटी थी, 15-16 साल की थी। जो बात है बिल्कुल बच्ची होगी फिर तो ठीक है, तो बस ये वजह थी। और अब ये मंगनी हो गई, निकाह हो गया, तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो अब मैंने कहा चलो अब बना लिया करो, कोई बात नहीं। चलें जी गाइस, आप लोगों को पता चला होगा कि वजह क्या थी, लेकिन ये कि हमारी लव स्टोरी तो थी नहीं, इसमें हमारा पूरा टोटल सीन अरेंज का था, लेकिन उसके बीच में यही कि फ़ैन निकली वो मेरी है, इसमें अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों में कमेंट्स रीड करने वाला व्लॉग होगा, जिसपे लोगों ने अजीब अजीब से कमेंट्स जो किए हुए। आपकी तो वाइफ बन गई ना? हाँ, मेरी तो वाइफ बन गई है।
हाँ मम्मा की बहू बनी, मम्मा आपको नजर आ रही होंगी कहीं वहाँ पे, वो देखे क्या बोल रही है मम्मा? मैं कह रही हूँ मेरी तो बहू बन गई, मुझे पसंद करते करते उसने आपको पसंद कर लिया। वो बताऊँ ये मलाइका जो बच्ची है ना, इसमें जो खामी थी वो ये थी, ये खामोश कम वो बच्ची थी। और मैंने एक साल मेहनत की कि तुम बोला करो, मुझे डॉली की तरह जो है ना बातें शोर मचाना अच्छा लगता है। और मैंने कहा कि तुम ये सीखो, डॉली जैसी बनो, मैंने कहा था। तो ये खामोश और कमजोर बच्ची, इसको अभी बोलना सीखी है तो शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत क्यूट बहुत प्यारी बच्ची है। और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप रुमैसा की तरह इसको भी इसी तरह प्यार करेंगे, लाइक करेंगे। जो बात है, आप लोगों को है ना, जब मलाइका थोड़ी बोलने लगी ना, लोग उस चीज़ को बहुत नेगेटिव समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। और इसमें ये भी नहीं है कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है, कुछ कोई एक्टिंग शेक्टिंग कुछ भी नहीं, रियल था जो था। लेकिन वो एक्साइटमेंट होती है ना अंदर से, जो बंदा एक्साइटेड होता है तो वो कुछ भी बोल रहा होता है। अब जाहिर है हम लोग ब्लॉग्स कर रहे हैं तो हम लोग आपसे शेयर करेंगे ये सब चीज़ें। बिल्कुल, असल में पता ही क्या है, देखें हमारे घर में हमने किसी किस्म का झूठ उससे मैंने मना किया है, कोई झूठ नहीं, क्योंकि हमारे ब्लॉग को हमारी फैमिली भी देख रही होती है ना। जब हम झूठ बोलेंगे तो हमारी फैमिली अच्छा तासुर नहीं लेगी हमारे लिए ना, बेशक। तो इसलिए हमने सच पर चला है। और बच्चों को यही मैंने इनकी तरबियत की है कि ब्लॉग हो या आम जिंदगी हो, सच बोलो या फिर बोलो नहीं, उस बात को डिस्कस ही ना करो, लेकिन जब बोलो तो सच बोलो। बिल्कुल, तो यही वजह है, यहाँ सच्चाई पर चल रहा है तमाम। और फैमिली ब्लॉग है, फैमिली देख रही होती है। और आप लोगों का पॉजिटिव प्यार देख के तो यकीन करो एक अंदर से जस्तु जो आती है व्लॉग करने की, वरना अगर इस हिसाब से प्यार ना मिले तो फिर व्लॉग करने का बदलना चाहे तो मम्मा बेचारी रोटियां बना रही है मेरी, वहाँ खड़ी भी अकेले अकेले। गाइस असल में सीन ये है, हम लोगों की लाइट जो है मतलब हैदराबाद में, आप लोगों को जो हैदराबाद में रहते हैं उनको पता होगा, कराची में भी यही सेम सीन है। और असल में हम चांद पर रहते हैं, ना गैस है ना लाइट है। कल के व्लॉग में जो हम लोगों का फन था ना, वो सिर्फ आप सबको एंटरटेन करने के लिए ही था, लेकिन आप सब ने इतने नेगेटिव कमेंट्स दिए तो मैं बिल्कुल डिसहार्ट हो गई। नहीं यार, इसमें डिसहार्ट होने की बात थोड़ी, क्या हो गया यार। लेकिन देखे मेरे घर वाले ने भी देखे थे मुझे उन्होंने। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं गाइस, असल में फ़न कर रहे थे। और जाहिर सी बात है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये लोग मेरा साथ देती हैं, जस्तुजू करती हैं, एफर्ट्स करती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं। और हमारा व्लॉग जब बंद हो जाता है ना तो नॉर्मली भी यही और वो सिर्फ व्लॉग तक थोड़ी था, वो तो व्लॉग बंद हो गया था उसके बाद भी हमारा यही चल रहा था, यही चल रहा था। और आप लोगों ने कमेंट्स में मतलब आप लोगों ने, मैंने बोला यार हो सकता है लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा सीन देखा हो। नहीं नहीं, देखो लोग अपनी सोच के मुताबिक जज करते हैं, और फिर लोगों का जो प्यार और रुझान है वो रुमैसा की तरफ ज्यादा है। तो लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ये फन और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप बोर ना हो और आपके लिए अच्छी अच्छी बातें हों और एक फैमिली ब्लॉग हो। तो असल में ये बच्ची हमारी बहुत मासूम है और ये बहुत तेज है। नहीं नहीं नहीं, और सकीना नहीं, और गाइस एक अदद सकीना, एक अदद सकीना भी है हमारे घर में। कमेंट का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो उस पे आप लोगों ने, हम लोग पूरी लिस्ट रेडी की हुई, उस पे ब्लॉग बनाया। जब से लोगों ने कमेंट्स पढ़े हैं ना कल से, हमारे घर में इतना शोर हो रहा है, कोई एक दूसरे से कोई मीठी छुरी कह रहा है, कोई पता नहीं क्या वर्ड है, कुटनी कुटनी टाइप। खैर वो लिस्ट रेडी कर ली है, उस पे बनाएंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बेल आइकन का बटन दबा दो गाइस, क्योंकि मेरे ब्लॉग आते रहेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग तो फिर ब्लास्ट होने वाला है। सो सी यू सून गाइस। It's your boy.